श्रावस्ती में टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा हो गया। राष्ट्रीय सचिव सतपाल पटेल कार्यकर्ताओं से जान बचाकर भागे। पार्टी की प्रदेश स्तरीय कमेटी ने बलरामपुर के जिलाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव समेत चार लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। बुलंदशहर के शिकारपुर थाने में कांग्रेस प्रत्याशी जियाउर रहमान ने धरना दिया है। भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा पर परेशान करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल भाजपा में शामिल हुई रश्मि आर्य को अपना दल ने मऊ रानीपुर सीट से बनाया है उम्मीदवार, जिसके बाद रश्मि आर्य का ग्रामीणों ने विरोध किया। रश्मि आर्य को नहीं दिया प्रचार करने का मौका, उनके काफिले को दिखाए काले झंडे। अलीगढ़ शहर विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने भाजपा का झंडा लहराया और इस दौरान नारेबाजी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा के सेक्टर 12 ब्लॉक पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए वोट की अपील की। लोगों को पैम्पलेट देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सहारनपुर में रैली कर विरोधियों पर बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा हमला। मायावती ने कहा कि सपा राज में गुंडागर्दी और दंगे होते थे, तो भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में उठाया पलायन का मुद्दा, कहा कैराना और कांधला में रुका पलायन, आज उत्तर प्रदेश में हर बेटी है सुरक्षित। मथुरा में गठबंधन उम्मीदवार के लिए अखिलेश जयंत ने किया प्रचार। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले अखिलेश यादव, अब की बार चुनाव में होगा भाजपा का सफाया। बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा में जनता के सामने नतमस्तक हुए भाजपा के सिटिंग एमएलए चंद्रप्रकाश शुक्ला। मंच से दंडवत होकर जनता से मांगी माफी। माफी मांगते वक्त विधायक जी की आंखें नम हो गई। सोशल मीडिया पर विधायक जी हो रहे हैं ट्रोल। मेरठ में बीजेपी की मुख्य प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर दपटुआ में मारपीट हुई। घर घर प्रचार कर रही थी इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट। रालोद समर्थकों पर लाठी डंडे लेकर नारेबाजी का आरोप है। काफिले में शामिल कई लोगों को चोटें आईं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने किया नामांकन। तमकुही राज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अजय कुमार लल्लू। एक सेट में पर्चा किया दाखिल, कहा 2022 में कांग्रेस की बनेगी सरकार। बांदा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए शहर के प्रसिद्ध माहेश्वरी मंदिर में किया पूजन हवन। जीत के लिए प्रार्थना की, माता के दरबार में अर्जी लगाई।